तो ये है दोस्तों Redmi का Redmi 10 ब्लू कलर वाला 4GB 64GB वर्जन वाला है और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा और साथ साथ आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि ये जो फ़ोन है 6000mAh का बैटरी के साथ आता है, इसका एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो ख़त्म होने में एक्सट्रीम करने समय कितना लगता है और नॉर्मल में क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ इस फोन को ये जो छोटा सा चार्जर है ये कितना टाइम में चार्ज कर पाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि इसका एक्सट्रीम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। एक तो ये वाला वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले रिकॉर्ड किया था लेकिन माइक्रोफोन का जो बैटरी है वो डाउन हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो उसके लिए मुझे पता नहीं चला। जब एडिटिंग के टाइम में पता चला कि हाँ इसमें ऑडियो नहीं है बोल के फिर दूसरी बार ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक जो रिक्वेस्ट है वो है कि लगभग 60% लोग ऐसे हैं कि वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक तो करते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा के ग्रे कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट के बारे में। तो ऐसा करूँगा, पहले बताऊँगा कि इसको ख़त्म होने में कितना होता है अगर एक्सटिंगुइशर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लगभग हमेशा वीडियो रन हो रहा है, गेम खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है। और उसके बाद नॉर्मल के बारे में बता दूंगा कि नॉर्मल यूज में कितना टाइम जा सकता है। और उसके बाद इसको फुल चार्ज होने में 0-100 होने में कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा की तरह मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। 1121 में ये था 100% में। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 1226 में ये पहुँच गया था 94% में। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 354 में ये पहुँच गया था 65% में। उसके बाद 517 में ये पहुंच गया था 52% में। और उसके बाद 755 में ये पहुंच गया था 28% में। उसके बाद यहाँ पे 959 में, यानी कि 10 hours 38 minutes हुआ था, ये पहुंच गया था 9% में। उसके बाद 11 में ये पहुंच गया था 2% में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इसको ख़त्म होने में 12 hours लग जाते हैं, क्योंकि सुबह 11 से स्टार्ट हुआ था और 11 बजे लगभग ख़त्म हो गया, तो मान के चल सकते हैं 12 घंटे का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। ये कब की बात है, ये जब आप स्क्रीन ऑन टाइम आप देखेंगे तो 11-12 hours का है, यानी कि हमेशा ऑन रहा है, वीडियो चल रहा था कंटिन्यूसली यूट्यूब से, और ऊपर से यहाँ पे आपको गेम भी थोड़ा बहुत खेला था तब जाके इतना हुआ है। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो आराम से आपको एक दिन चल जाएगा, यानी कि 24 hours आराम से चल जाएगा, उससे ऊपर भी चल जाएगा। और हाँ, अगर आप ओला वगैरह या फिर जोमेटो वगैरह यानी कि नेविगेशन ज़्यादा यूज करते हैं, जो मैप है वो ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे मान के चल सकते हैं कि 6 से 8 घंटा का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो छोटू चार्जर है ये इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। ये फ़ोन जो है 6000mAh का बैटरी के साथ आता है और ये सपोर्ट करता है बॉक्स के अंदर जो आता है 10W का चार्जर, और ये सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर। तो दोनों का बता दूंगा, ये जो स्क्रीनशॉट आप देखेंगे ये 10W वाला है और 18W वाला भी टेस्ट किया था, 18W बोल रहा हूँ, 18W वाला जो फास्ट चार्जर आता है वो भी टेस्ट किया था। Xiaomi का 8W चार्जर मेरे पास है तो वो टेस्ट किया था, तो उसमें कितना टाइम लगा उसके बारे में बता दूंगा। तो पहले स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 716 में ये था 1% में। उसके बाद 819 में ये पहुंच गया था 35% में। और उसके बाद 929 में ये पहुंच गया था 70% में। उसके बाद 1016 में ये पहुंच गया था 93% में। और उसके बाद 1044 में ये पहुंच गया था 100% में। तो मान के चलते थे साढ़े तीन घंटा में ये फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि 6000mAh का बैटरी है और ये है 10W का चार्जर, तो इतना ही टाइम लगेगा, तो 3.5 घंटा लगता है। अब ये मैं टेस्ट किया 18W फास्ट चार्जर के साथ, तो उसमें रिजल्ट क्या है, तो उसमें लगभग ये 3 घंटे के आसपास में फुल चार्ज हो जाता है। तो 3.5 घंटा तो नहीं लगता, लेकिन 3 घंटे के आसपास में ये 3 घंटा 10-15 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है फास्ट चार्जर के साथ, 18W के साथ। तो अगर बॉक्स के अंदर और ज़्यादा वाट का 30W वाले देते तो शायद से अच्छा होता, जल्दी चार्ज होता, लेकिन 6000mAh का बैटरी है तो यहाँ पे 18W या 10W जो भी आप चार्ज करेंगे लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। तो ये था दोस्तों Redmi 10 का एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट की कहानी। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जब मैं ये टेस्ट कर रहा था, यानी कि इसको जब डिस्चार्ज कर रहा था 100 से 0 कर रहा था, उस टाइम में कंट्रोल से वीडियो प्ले हो रहा था, गेम तो खेल रहा था लेकिन कम, ज़्यादा गेम नहीं खेला हूँ मैं, कम खेला हूँ, लेकिन वीडियो कंट्रोल से प्ले हो रहा था, तो उस टाइम में ये बहुत हीट हो रहा था, लगभग 40 डिग्री के आसपास ये हीट हो रहा था। तो अगर आप 2-3 घंटा एक मूवी देख लेंगे, 2 घंटा या 2.5 घंटा का 3 घंटा मूवी देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
इस तरफ और इस तरफ दोनों बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, लेकिन जैसे आप बंद कर देंगे थोड़े टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद ये तुरंत ही कूल डाउन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे कर देना, और इस वीडियो में इस फोन के बारे में कुछ इंटरेस्ट मिल गया है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात, मेरा नाम है सुमन, आप देखे चैनल, मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।